स्टूडेंट आई वेलकम यू ऑल इन माई इंग्लिश क्लासेस. टूडे आई विल एक्सप्लेन क्लास सिक्स अ पोएम नेम द रेवन्स एंड द फॉक्स. द स्टूडेंट्स इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम एंड हैविंग अ ग्रेट मोरलिटी. सो लेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम. द स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल there is a crow whose name is here Mr. Raven, and here is also you can see a fox. A fox name is in this poem is Reynard. So let us start. Mr. Raven was perched upon a limb, and Reynard the fox looked up at him. For the raven had in his great big beak a morsel the fox would go far to seek. The student match line to line Hindi explanation. Mr. Raven was perched upon a limb. Mr. Raven means crow. एक कौवा जिसका नाम मिस्टर रेवन है. एक limb, limb means होता है branch, branch पर बैठा हुआ है. And Reynard the fox looked at him. Reynard जो कि फॉक्स का नाम है, हमने आपको दिखाया था यहाँ पर है. तो फॉक्स एक लोमड़ी उसको देखती है, किसको? क्रो को. फॉर द रेवन हैड इन हिज ग्रेट बिग पीक बीक, बिग मीन्स होता है चोच, अ मॉर्सल द फॉक्स वुड गो फॉर टू सीक. स्टूडेंट रेवन जो कि अपने बड़े से चोच में एक मॉर्सल, मॉर्सल मीन्स होता है पीक अप, अ पीस ऑफ फूड, भोजन का कोई टुकड़ा है अपने चोच में लिया हुआ है. एंड द फॉक्स वुड गो फॉर टू सीक, और वह फॉक्स लोमड़ी दूर से ही उस भोजन के टुकड़े को देख लेती है. सो लेट्स मूव. फॉर द सेड द फॉक्स इन एडमायरिंग टोन. स्टूडेंट देखिए और फॉक्स की चालाकी, वो किस तरीके से उस भोजन के टुकड़े को प्राप्त करना चाहती है और क्या चालाकी करती है. सेड द फॉक्स इन एडमायरिंग टोन, माय वर्ड सर रेवन यू आर अ हैंडसम बर्ड, सच फीदर्स इफ यू वुड ओनली सिंग, द किंग द वर्ड ऑफ दीज वुड्स वुड कॉल यू किंग. सेड द फॉक्स, फॉक्स कहती है इन एडमायरिंग टोन मीन्स प्रशंसात्मक शब्दों में, माई वर्ड सर रेवन, सर रेवन श्रीमान जी मीन्स वो कॉक तो कहती है बड़े ही रिस्पेक्टेड तरीके से कि सर यू आर अ हैंडसम बर्ड, आप बहुत ही हैंडसम बहुत ही सुंदर बर्ड हो. सच फीदर, आपके फीदर मीन्स पंख बड़े ही सुंदर हैं. इफ़ यू वुड ओनली सिंग, अगर आप केवल सिंग मीन्स गाना सीख लो, द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स वुड कॉल यू किंग, तो बर्ड इस जंगल के सारे पक्षी आपको किंग पुकारेंगे. मीन्स अगर तुम गीत गाना सीख लो, तुम्हारे पंख वैसे भी सुंदर हैं, तुम भी सुंदर लगती हो, केवल सिंगिंग कमी है, गाना सीख लो, तुम गाने लगो, तो जंगल के सारे बर्ड तुम्हें किंग कहकर पुकारने लगेंगे. क्लियर स्टूडेंट? आगे बढ़ते हैं. द रेवन्स हु डिड नॉट सी द जोक फॉरगॉट दैट हिज वॉइस वॉज जस्ट अ क्रोक, ही ओपेंड हिज बीक इन हिज फुलिश प्राइड, एंड डाउन फेल द मॉर्सल द फॉक्स हैड स्पाइड. अब क्या हुआ? द रेवन मीन्स क्रो, हु डिड नॉट सी द जोक, वह फॉक्स की जोक को समझ नहीं पाए थे. मीन्स जोक का मतलब यहाँ फ्लैटरी, चालाकी से है, क्लीवरनेस, उसकी चालाकी को नहीं समझ पाई. एंड फॉरगॉट दैट हिज वॉइस वॉज जस्ट अ क्रोक, और भूल गई कि उसकी आवाज़ केवल एक क्रोक मीन्स कर्कश है, काँव काँव की आवाज़ है, नहीं समझ पाई कि वह फ्लैटरी कर रही है. ही ओपेंड हिज बीक, जैसे ही उसने अपनी चोंच को ओपन किया मीन्स गीत गाने के लिए, इन हिज फुलिश प्राइड, प्राइड मीन्स घमंड में, उसको घमंड हो गया, गर्व हो गया कि हम मैं तो बहुत सुंदर हूँ, मेरी आवाज़ भी सुंदर है, और जैसे गीत गाने के लिए
उसने अपना माउथ ओपन किया एंड फॉल डाउन फेल द मार्शल द फॉक्स हैड स्पाइड। तुरंत उसके माउथ से मार्शल मीन्स भोजन का टुकड़ा नीचे गिर गया जो कि फॉक्स के पास। कब से परेशान थी। नाउ लेट मूव, आगे बढ़ते हैं। हा हा सेड द फॉक्स एंड नाउ यू सी यू शुड नॉट लिसन टू फ्लैटरी वैनिटी सर इज अ हॉरिड वॉइस आई एम श्योर द लेसन इज वर्थ द प्राइस। अब जैसे ही कॉक के माउथ से मार्शल गिरता है भोजन का टुकड़ा, फॉक्स अब हंसने लगी और कहती है एंड नाउ यू सी यू शुड नॉट लिसन टू फ्लैटरी। अब देखो तुम्हें मेरी फ्लैटरी मीन्स चापलूसी को सुनना नहीं चाहिए था, तुम मेरे जाल में फंस गई। वैनिटी मीन्स स्टूडेंट, यहाँ पर दिया गया है ढेर सारे वर्ड मीनिंग। स्टेट ऑफ हैविंग टू मच प्राइड मीन्स होता है बहुत अधिक गर्व करना, घमंड करना। वैनिटी सर इज अ हॉरिड वॉइस, गर्व करना, घमंड करना अपनी आवाज़ पर अच्छी बात नहीं है। आई एम श्योर द लेसन इज वर्थ द प्राइस, मुझे आशा है कि मेरे द्वारा तुम्हें सबक मिल चुका होगा, तुम अब समझ चुके होगे कि मैं कुछ तुम्हें सिखा रहा था। इस चैप्टर से, इस पोएम से हमको काफ़ी अच्छी सीख मिलती है। यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए और हमें गर्व नहीं करना चाहिए किसी चीज़ पर। पोएम रिटन बाय जीन डीला फैंटेन। स्टूडेंट कमांडर, यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज हमने ट्रू और फॉल्स, आप देख सकते हैं ट्रू और फॉल्स का निशान हमने यहाँ लगा दिया है। उसके नीचे आइए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस भी हमने कंप्लीट कर ली है, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे और आगे बढ़ते हैं। आंसर दिस क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन का आंसर है। व्हाट क्वालिटी ऑफ द रेवेंस कैरेक्टर मेड हिम ओपन हिज माउथ टू सिंग। कौन सी उसकी क्वालिटी ने, रेवन की कौन सी ऐसी क्वालिटी ने उसके माउथ को ओपन करने के लिए विवश कर दिया। द क्वालिटी ऑफ वैनिटी मीन्स गर्व, घमंड। वैनिटी ये उसकी क्वालिटी थी जिसके चलते उसने अपने माउथ को ओपन कर दी। सेकंड, आई एम श्योर द लेसन इज वर्थ द प्राइस, व्हाट वाज द लेसन एंड व्हाट वाज द प्राइस। इस लेसन से हमको एक शिक्षा मिलती है, शिक्षा कौन है तो नेवर बी प्राउड, दैट लेसन इज नेवर बी प्राउड, कभी हमको घमंड नहीं करनी चाहिए। थर्ड, व्हाई डू यू थिंक द फॉक्स प्रीचेज मोरल प्रिंसिपल्स टू द रेवेंस इंस्टेड ऑफ सच दस जस्ट रनिंग अवे विद द मार्शल। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि फॉक्स मार्शल को लेकर भागने के बजाय वहाँ रुक कर उसको सीख देता है, क्यों? बिकॉज ही वॉन्ट्स टू टीच हिम अ लेसन, क्योंकि फॉक्स उसको सबक सिखाना चाहती थी। ओके स्टूडेंट, नाउ वीडियो इज ओवर बेटा।